अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सारे हिंदू भाइयों को मेरा दिल से नमस्ते। आज 4 मई 2024 को हमारे एक कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट बोया नरेश की सदारत में चंद्रायन गुट्टा में एक रैली निकाली गई, जिसमें हमारे शकील दयानी ब्लॉक प्रेसिडेंट, हमारे ए ब्लॉक प्रेसिडेंट और अब्दुल रशीद खान, हमारे मुजीबुल्ला शरीफ साहब एडवोकेट जो कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट चारमीनार हैं, शिराज मैडम और बहादुरपुरा के कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट राजेश साहब, ये सब शामिल थे और दूसरे काफ़ी दीगर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। हम निकले थे एक DRDL से, हम शुरू होते वक्त हम शायद एक 100 या 150 लोग थे, मगर जैसे जैसे हम लोग आगे चलते गए ये देखने को मिला कि लोग वॉलंटरीली जुड़ते गए और एक बड़ा कारवां बन गया। तो आज वहाँ से हम लोग उपगुड़ा की गलियाँ सारी अंदर से जितना हमारे हिंदू भाइयों का एरिया था वो पूरा एरिया हम लोग आज रैली के थ्रू कवर किए। काफ़ी हमको अच्छा रिस्पांस आया, लोग ख़ुद से हमारे साथ जुड़ते गए। हमारा जो मोहब्बत का पैगाम है, जो हमारे राहुल गांधी जी का पैगाम है कि नफ़रत की दुकान बंद करो और मोहब्बत की दुकान शुरू करो, ये पैगाम आज हम सबको पहुंचाते रहे, घरों पे पैम्पलेट्स बढ़ते रहे इस चीज़ के, और लोगों में एक जोश है, लोगों को कांग्रेस को लेकर एक उम्मीद है। लोग इस बार मज़हब के नाम पे की गई सियासत जो BJP और MIM करते हैं उससे दूर होकर मज़हब के नाम पर वोट नहीं देना चाहते। लोग चाहते हैं कि उनकी जगह डेवलप हो और वो लोग डेवलपमेंट को वोट करें। कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेके चलती है, और कांग्रेस पार्टी एक ही ऐसी पार्टी है जो चाहती है कि डेवलपमेंट हो। आज जो हम चंद्रायन गुट्टे के रास्ते से गुजर रहे थे, जगह जगह कचरा, जगह जगह आपके ओपन नाले और बदबूदार ड्रेनेज के पानी बह रहे थे, तो ये देख के बहुत अफसोस हुआ कि यहाँ के जो MP हैं, जो 1985 से बैठे हैं, उन्हीं का MLA है यहाँ पे, जो वो भी एक काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पे बैठे हैं, मगर आज बुरी तरीके से आज चंद्रायन गुट्टे की जो हालत है, चंद्रायन गुट्टे की के लोग जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये बहुत अफसोसनाक है। मतलब इसका मतलब ये है कि असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी, ये दो भाई हैं जो अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा बताते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के वोट को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज जो मैं हिंदू एरियाज़ में घूम के आया हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर हिंदू एरिया से उनको वोट नहीं आता है तो वो बिल्कुल हिंदू भाइयों का कोई काम नहीं करते, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं करते। मेरे हिसाब से तो ये अकबरुद्दीन अवैसी के लिए शर्म की बात है कि उनका एरिया आज इतना अंडर डेवलप्ड है। मैं वादा करता हूं अगर मैं हैदराबाद से जीतता हूं और आपके बीच में MP बन के आता हूं तो इन सारे मसाइल पे मैं काम करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ के सिविक एमिनिटीज़ पे काम करूंगा, यहाँ पे अच्छे स्कूल्स वगैरह, यहाँ की जो गंदगी है, यहाँ के जो ओपन ड्रेनेज नाले हैं, इन सब को बंद करने की, और ये कोशिश करूंगा कि चंद्रायन गुट्टा भी एक बेहतरीन हाईटेक सिटी के जैसा एक एरिया बने, जहाँ पे अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हो, जहाँ पे अच्छे रोड्स हों, जहाँ पे अच्छा सैनिटेशन सिस्टम हो, ताकि यहाँ के लोग भी एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। तो मेरा आपसे अपील है कि इस बार जो लोग मज़हब के नाम पे सियासत कर रहे हैं, जो लोग हिंदू भाई को मुसलमान से डराते हैं और मुसलमान भाई को हिंदू से डराते हैं, उनको आप सोच समझ के इस बार 13 मई के दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिए। कांग्रेस पार्टी, मेरा आपसे अपील है कि कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगती है और डेवलपमेंट करती भी है। तो आपसे गुजारिश है कि आज यहाँ पे तेलंगाना स्टेट में भी हमारी कांग्रेस की हुकूमत है, और इंशाल्लाह जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दो फेस में इंडिया अलायंस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और आने वाले वक्त में भी इंडिया अलायंस का बहुत से बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहेगा, और इंशाल्लाह हम ज़रूर सेंट्रल में हमारी हुकूमत बना रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कांग्रेस को वोट दीजिए, राहुल गांधी को के हाथ को उठे, मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाए।
जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दिया आवाज है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा, चली झाखो रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है, नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन पार्टी में, हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पार्टी में, महंगाई को झुका के मानेंगे, बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे, लड़ाएंगे, उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, जुड़ी रहा।